वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस। दिस लेक्चर इज स्पेशली फॉर बिहार स्टूडेंट्स। मैक्सिमम बच्चों के माइंड में एक ही सवाल चल रहा है कि जो हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, और ये जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा या फिर ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। इन्हीं सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि हमने बिहार में इस ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए इतना फोर्स क्यों करा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस ऑफलाइन एग्ज़ाम के सपोर्ट में हैं, इस ऑफलाइन एग्ज़ाम के सपोर्ट में हैं। तो उन सभी बच्चों को एक ही बात, एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हमने बिहार में ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए इतना फोर्स क्यों करा है। आप सभी बच्चों को बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी एक छोटी सी पहल आज पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि हमने 16 जून को अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड करा था, और उस वीडियो में हमने बिहार में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कही थी, और आप सभी छात्रों की वजह से उस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करा गया, इतना ज़्यादा शेयर करा गया कि आज वो वीडियो हर एक बच्चे के साथ साथ कॉलेज के कुछ फैकल्टी के पास भी पहुँच गया है। तो सामने से कुछ फैकल्टी का कॉल आता है और उन्होंने एक ही सवाल हमसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो हमने बस सिंपल सा एक ही जवाब दिया कि अगर हमने वीडियो में अगर कुछ भी गलत कहा हो तो ओपनली आप हम पे एक्शन ले सकती हैं, हमने क्लियरली बात कर दिया। आज से एक हफ्ता पहले जो पॉलिटेक्निक छात्र संघ के लीडर थे, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम को ऑफलाइन कंडक्ट कराने की बात कर रहे थे, आज वही पॉलिटेक्निक के छात्र संघ के लीडर इस बात को गंभीरता से लेते हुए इस ऑनलाइन बिहार में ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की बात कही गई है। उन्होंने 20 जून यानी कल यानी 20 जून को एक ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं, जिनमें उन्होंने अपनी बात को रखेंगे सभी एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं बिहार के उनके सामने। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा ट्विटर का, आप सभी बच्चे जाके उन्हें फॉलो कर लेंगे, और जितना हो सके आप कल सुबह 9 बजे से यानी 20 जून 9 बजे से आप ट्विटर पर ट्रेंड चलाएँगे। आप जो भी ट्रेंड चलाएँ, आप चलाएँ कि प्रमोट सेमेस्टर एग्ज़ाम, या फिर आप कहें कि वी वांट ऑनलाइन एग्जाम, आप कहें कैंसल डिप्लोमा एग्जाम, जो भी ट्रेंड चलाना है आप जेन्युइन बात रखेंगे उनके सामने, उन एजुकेशन मिनिस्टर के सामने, कुछ भी इधर उधर का बात नहीं करेंगे। जो फैक्ट होगा, जो आपके ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड होगा, या फिर जो भी जेन्युइन बात होगा, आप सभी बात को उन ट्विटर पे एजुकेशन मिनिस्टर और बड़े बड़े मिनिस्टर को टैग करेंगे और अपनी बात को सामने रखेंगे। याद रखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। याद रखिएगा, 20 जून कल सुबह 9 बजे से हमें इसे ट्रेंड कराना है, और ये सब अब आपके हाथ में है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को लेकर अनजान है, जिन्हें इस ऑनलाइन ट्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अब ये आपके हाथ में है इस वीडियो को उन तक पहुँचाना। और याद रखिएगा, कल सुबह 9 बजे 20 जून को कल सुबह 9 बजे हमें ट्रेंड कराना है। आज मॉर्निंग में एक छात्र संघ की तरफ से एक हमारा कॉल आया था, और उन्होंने बोला था कि एक छोटा सा मैसेज सभी बच्चों के पास पहुंचा दे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है इस ऑनलाइन ट्रेंड के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चों को नहीं पता इस ट्रेंड के बारे में उन्हें पता चल जाए। यानी 20 जून, ये तो पहला स्टेप हमने रखा है। 20 जून याद रखिएगा, एक छोटा सा स्टेप है, और आगे भी ट्रेंड चलते रहेगा। जैसे जैसे डेट आएगा आपको इस वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आपको पता चल जाएगा। याद रखिएगा, एक छोटा सा स्टेप है 20 जून जो सबसे पहला स्टेप है। याद रखिएगा, जब तक हम एक रहेंगे हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी, और जब तक हम अलग अलग हो जाएंगे हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। बार बार हम हर एक वीडियो में एक ही बात कहते हैं कि एक लकड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, अगर वही एक लकड़ी का बंडल दे दिया जाए तो उसे तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक तरफ SBTE वालों ने सेमेस्टर एग्ज़ाम को ऑफलाइन कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे भारत के बड़े बड़े रिसर्चर यानी बड़े बड़े साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि हमारे भारत में 2 से 4 हफ्ते में कोरोना का तीसरा लहर आ जाएगा। अब ये आप खुद सोच सकते हैं कि अभी हमारा कोई रजिस्ट्रेशन बच्चों का नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन होने के 1 से 1.5 महीना बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये क्या हमारा प्रोसेस चल रहा है, SBTE वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर अभी लेट कर देंगे तो आगे चल के आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और आपका जो सेशन जो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम के सपोर्ट में हैं, तो उनसे बस एक छोटी सी बात हम कहेंगे कि जो बच्चे इस ऑफलाइन एग्ज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे एक ही बात है कि आपको पता नहीं होगा कि बिहार में जितने भी जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी आता है वो सब डिप्लोमा के मार्क्स बेसिस पे ज्वाइनिंग होता है, डिप्लोमा के मार्क्स बेसिस पे आपको कट ऑफ बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपका डिप्लोमा मार्क्स डिप्लोमा में अगर फाइनल ईयर में मार्क्स अगर कम आ जाएंगे तो आपका मार्क्स कम आ जाएगा, और जब एक बार कम मार्क्स का थप्पा लग जाएगा तो याद
रखिएगा कि आपका बिहार में जो आप सपना है एक बिहार में हमारा कि जूनियर इंजीनियर का जॉब सरकारी जॉब का, वो सपना एक सपना ही बन के रह जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे पढ़ाया गया है, और आप ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आप बहुत अच्छी तरीके से पता है, वही वाली बात हो गई कि आपको साइकिल चलाना सिखाया गया और आपको बोला गया कि आप जाइए रोड पर बाइक चलाइए, वही सेम चीज़ होगा कंडीशन। याद रखिएगा, अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा छठा सेमेस्टर का पूरा 100% आपका ऐड होता है पूरा मार्क्स, पहला सेमेस्टर से लेकर पांचवा सेमेस्टर तक 40%, और ये जो सिक्स सेमेस्टर है इसका 100%, और ये जो छठा सेमेस्टर है ना यही डिसाइड करता है आपका पूरा ओवरऑल परसेंटेज। याद रखिएगा बिहार में जितने भी वैकेंसी आता है सब मार्क्स बेसिस पे होता है, और जब तक आपका मार्क्स ज़्यादा नहीं आएगा, जब तक आपका मार्क्स अच्छा नहीं होगा, तब तक आप बिहार में जो आप जेई बनने का सपना देख रहे हैं वो सपना का सपना ही रह जाएगा। तो एक ही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और याद रखिएगा पहला स्टेप हम कर रहे हैं 20 जून को कल सुबह 9 बजे से आपको ट्रेंड करना है। और जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर है, बड़े बड़े एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े हमारे मिनिस्टर जो बिहार में है, नीतीश कुमार जी हैं, जो भी सीएम है, जो भी हो, सबको टैग करना है और सभी बच्चों को ये बात और सभी लोगों के सामने जेन्युइन बात रखना है कि हमारा पास क्या परेशानी है, क्या हमें प्रॉब्लम हो रही है इस ऑफलाइन एग्जाम से। याद रखिएगा जब तक जान है तब तक जहान है, अगर हमारे पास जान सही सलामत रहेगा तो हमारे पास और भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम देने को मिलेंगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी नोटिस मिलेगा हमें छात्र संघ की तरफ से, हम इसी यूट्यूब चैनल पर हम हर एक नोटिस को पब्लिश करेंगे कि हमें अगला स्टेप क्या करना है। अगर कोई ऐसा नोटिस मिलता है तो फिर मिलेंगे हम आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। तब तक थैंक यू गाइस।